वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सियासी दंगल। और ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं और न्यूज शामिल करते हैं कि आलमी और गैर मुल्की मार्केटों में सोने की कीमत में इजाफा। सोने की कीमत में इजाफा नहीं हो सकता जी, लोड शेडिंग की इतनी बंदा सो ही नहीं सकता। गोल्ड की बात हो रही, सोने की बात। उसकी कीमत में इजाफा होना चाहिए। क्यों? ज्यादा तौर पे होना चाहिए ना, ये क्यों भाई, ना ये सोना हो और ना ये लेडीज पहने। बिल्कुल, लेकिन ये गलत है ना। नहीं, नहीं सही है, बदली चाहिए कीमत। कैसे आप लोग क्रिएटिव मेटू में होते हैं, कैसे सही है मुझे बताएं। देखो तो लेनी ही नहीं, सोना लेना ही नहीं, फिर सीधे यही कहा कि ना बदली चाहिए। हमेशा आप बहुत अच्छे सियासतदान बनोगे, हमेशा अपनी सोचते हो, अवाम की नहीं सोचते। गरीब आदमी सोना कितने पास आता जी, बनवाए दसो। गरीब आदमी थे अपनी धी नू जो जेब सोना नहीं दे सकता। देखिए यही मैं बात मेंशन करने लगी थी कि सोने की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए, कमी होनी चाहिए, इतना एफोर्ड ताकि हर कोई कर पाए। कितने घर की बच्चियां इसी वजह से रह जाती है। जेहेज का सबसे मेन पॉइंट ही होता है कितना आप जेवर डाल रहे हैं, कितनी चूड़ियां डाल रहे हैं, मतलब क्या है। और ये अगर होगा हाल तो फिर क्या बनेगा। इसीलिए तो इसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, ये सोना होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ना ही इसकी ना सोना हो और ना इसकी लालच हो। यानी कि जो पहुंच जहां तक आपकी पहुंच नहीं, वो चीज ही खत्म हो जानी चाहिए। किसी चीज की वजह से किसी की बहू बेटी शादी होने से रह जाए, किसी बहू की किसी की बेटी की शादी या किसी की बहन की शादी होने से रह जाए, वो चीज खत्म कर देनी चाहिए। लालच खत्म कर देना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे बताइए गैर मुल्की मार्केटों में ये सोने की, वो गैर मुल्की जो मर्जी करें, आलमी भी है, वो आलम भी जो मर्जी करें, हम अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आलम फाजल नहीं, आलम नहीं, आलमी। आप बहुत अच्छे सियासतदान बनोगे, इस बार आप जरूर इलेक्शनों में खड़े होना। मैं दुआ करूं उस पर इसी इंसान बढ़ जाइए, सियासतदान तो बाद ही कर लेंगे। इंसान ही इलेक्शनों में खड़े होते हैं, वही सियासतदान। फिर बाद चो फिर सियासतदान क्यों बढ़ते जो इंसान खिलौते ना, ये इंसान बन के खिलौते ना, तो बात भी इंसान बन गए। जब वो बन जाते हैं ना सियासतदान, किसी पोस्ट पे आ जाते हैं, कोई उनको सीट मिल जाती है, फिर वो इंसान कमर में सरिया आ जाता है। जो सियासतदान है उनमें बहुत अच्छे भी है। हाँ अच्छे हैं, लेकिन सामने नहीं आते बन के। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको सामने नहीं आने दिया। मैं एक मिसाल देता जी, 100 सियासतदान हैं, उनमें से 10% जो हैं वो अच्छे होंगे, बाकी 90% खराब हैं, तो वो 10 की क्या अहमियत। बिल्कुल बिल्कुल, एक मछली पूरे सियासतदान को गंदा करती है। और अगर उसी मछली की क्या कहते हैं कढ़ाई बन जाए, उसी मछली का सारा कंट्रोल हो, तो फिर पूरी सियासत पूरे समंदर की भाग दौड़ हो जाए। अच्छा जी, हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पाकिस्तान की मछली है वो, तो एंड पाक फ्री। और ये मछली बहुत पावरफुल है। हां बहुत पावरफुल, ऐसी पावरफुल 3-4 मछलियां हैं ना एंड काली, तो बड़ी पावरफुल लगी है। हमारे पाकिस्तान की बहुत सी मछलियां पावरफुल हैं। अच्छा, जैसे अभी वो इमरान खान साहब हैं। बिल्कुल, वो न्यूयॉर्क में सुनामी का चक्कर है, कहते हैं सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल वाहन मछली जड़ी अपने सुनामी थी आप मशहूरी करण दी। इन्हें ये नहीं पता कि सुनामी जो मछलियां बाहर आई थी कुछ की, वो सबसे बड़ी मछली है कि तो उसके पास अपना सुनामी है। ये अच्छी वाली मछली होगी, अच्छी वाली मछली इनकी, कोई डंडा होगा। होप है आवाम को, अल्लाह करेगी, अल्लाह करे। इस मछली तो देखो इस टाइम तस्वीर च की हो जाए हाल होया, वही लगे इस मछली ने सारी जिंदगी पानी नहीं पीता, हवा ही लेंदी रही। सुप्रीम कोर्ट आयन की मुहाफिज है, चीफ जस्टिस। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आयन की मुहाफिज है। बिल्कुल, ये हम चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं। बिल्कुल, हमेशा से पहले भी साथ थे, अब भी हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब ने अच्छी गल की है।
वो आयन के साथ, वो कानून के साथ कितना प्यार करती हैं कि उन्होंने अपने बेटे का भी लिहाज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उस अगर उसके पास उसने गलती किया तो उस उन्होंने जस्टिस साहब ने उसको भी कहा भी आजा लाइन में आजा तू भी आजा। बिल्कुल। हालांकि बेटा कहंदा रहा नीवी नजर पा के ना अब्बा की करन दिया वेला मैं अंदर गया जी यकीन कर मैं बाहर नहीं हूं हुण पुत्र मैं तरसिया निगाहों नाल वेख रहे सी मैं वेखिया जस्टिस साहब किसी की नहीं मानते चीफ जस्टिस साहब वो सिर्फ कानून की मानते हैं जो उन्होंने पढ़ा है कानून वो उस पे अमल दरामद है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें चाहे उनका बेटा आ जाए चाहे पूरा खानदान आ जाए लेकिन ये देख लीजिएगा मैं उनकी गारंटी दे देता हूँ जी वो बंदा अदल पे और इंसाफ पे कायम रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी भी यही गल हुई थी। आने वाले वक्त में अगर मैं वजीर आजम हूंगा ना तो मैं सदर जो है ना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को ही बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सदर पाकिस्तान ऐसा बंदा होना चाहिए जो कानून और आइन का मुहाफिज हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी क्रिएटर मेटू आखिरी खबर है की अच्छा जी दुनिया भर के नौजवान मोबाइल फोन खो देने के खौफ में मुब्तला हो गए लंदन। लंदन में जो नौजवान है ना वो पागल हो गए मोबाइल फोन ज्यादा चोरी होता है। अच्छा हाँ जी बिल्कुल ऐसे रख के तो तू एंड करके पानी पी जा वापस आ तेरा मोबाइल ही नहीं हो। लंदन में भी ये मसले मसले खान पीन लगे मोबाइल कॉल रखे यकीन करो मुंह धोन लगे मोबाइल कॉल रखे बाथरूम जान लगे मोबाइल कॉल पे बंदा पूछे बना और मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं अब कोई और बात मजीद करूं और इसी बात पे हम प्रोग्राम का जो है अब वाइंड अप करेंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना क्रिएटिव मिनटू। ओ क्यों नहीं मैं ख्याल रखूंगा कि आप भी थैंक यू जी जी व्यूअर्स सियासी दंगल का टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट को इजाजत दें अल्लाह हाफिज।